ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में 2018 में आया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पूरे फोकस लगा के जान लगा दो। टफ नहीं है, क्लियरिटी चाहिए बस। द नेट प्रॉफिट ऑफ एबीसी कंपनी ऑफ द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 42,000। प्रॉफिट कितना कमाया? 42,000। द सेम वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर ए बी सी इन एग्रीड रेशियो 3:2:1। 3:2:1 के रेशियो में बांटा जाएगा। सब्सिक्वेंटली डिस्कवर दैट द अंडर मेंशन ट्रांजेक्शन वी आर नॉट पास थ्रू द अकाउंट। ये जो अंडर मेंशन अकाउंट ट्रांजेक्शन दिया गया ये कंसिडर नहीं है, मतलब 42,000 से इसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन रेंट 6%। पार्टनर्स का सैलरी है ए को 5,000, सी को 1,000, बी को नहीं है सैलरी, याद रखना। एन एग्रीड कमीशन 3,000 पेएबल टू बी, बी को कमीशन मिलेगा सैलरी नहीं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2018 को 60,000, 50,000 और 40,000, ठीक। दे ड्रू 200 ईच एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। यू आर रिक्वायर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। सीबीएसई का एग्जाम क्वेश्चन है, सो ठीक है ना, क्वेश्चन देख के पता चल रहा, इजी है, हलवा। लाइन काट लो। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ एबीसी क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है, और बड़ा काट लें, चलो इधर भी थोड़ा ले लेते हैं, ठीक। इस तरीके से फिलअप कर लेंगे हम लोग पूरा, ठीक है। हाँ, तो पहला पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। कैपिटल किसका किसका कितना है, 60,000 ए का है, 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000। 50,000 का 5% 2,500, और 40,000 का 5% 2,000। 3,000, 2,500 और 2,000, इसको कहाँ हम लोग लिखते हैं, डेबिट साइड में, क्या बोल के, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर का नाम लिख लेंगे, तीन हजार, ढाई हजार, 2,000 ऐड कर लो। ऐड करके कितना आएगा, 3,25,27,500, यही आ रहा ना। लाइनें और बड़ी टानो। कंपनी ने सबसे ऊपर में देखा था, हम लोगों ने 42,000 रुपये का कंपनी नेट प्रॉफिट कमाया है बाय नेट प्रॉफिट। कितना कमाया है, 42,000। पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। यहाँ पे आप ड्राइंग्स खोजो कहाँ है, कैपिटल अकाउंट इतना इतना इतना, दे ड्रीव 200, दे ड्रीव, दे मतलब तीनों ने उठाया 200 रुपया करके सब, ठीक। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 200 रुपया पर मंथ उन्होंने उठाया पूरे एक साल, 200 रुपये के पर मंथ पूरे एक साल उठाया, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ उठाया। इंटरेस्ट रेट कितना है पहले ये चेक करो, इंटरेस्ट रेट 6%, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5 मंथ, यही होगा ना। कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है, 78 रुपीज़ तीनों ने लिया है, ठीक। ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, बाय ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में लिखेंगे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए बी और सी। सबने 78, 78 और 78 का, तीनों का 78 ऐड करके कितना आएगा? 234, 24। ठीक है, सवाल में आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए हो गया, बी हो गया, सी बोल रहा है सैलरी मिल रहा है पार्टनर्स को 5,000 ए को और सी को 1,000। आराम से लिख पढ़े ना मेरे। तो पार्टनर सैलरी, सैलरी किसको किसको मिला है? ए को और सी को। ए को कितना? 5,000। सी को कितना? 1,000। दोनों का मिला के कितना? 6,000। बोला है पॉइंट नंबर डी में देखो, एन एग्रीड कमीशन 3,000 पेएबल टू बी, बी को 3,000 रुपये कमीशन मिलेगा, फिक्स है। तो बी कमीशन डायरेक्टली 3,000 रुपये लेगा, इसमें कोई, एक बार पूरा नज़र घुमा के देख लेते हैं क्वेश्चन में और भी कुछ है इन्फॉर्मेशन। 3:2:1 शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन भी हो गया, और कुछ नहीं है। बस हमें निकालना क्या है अब? शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। इस साइड और इस साइड में देख लो सबसे ज़्यादा कौन सा है। एक साइड 42,000 है और एक साइड, यानी कि क्रेडिट साइड हम लोग का ज़्यादा है। प्लस माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 42,234 रुपये। इसको यहाँ भी लिखो, इस अमाउंट से इन दोनों, इन तीनों को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 25,734 रुपया। ये क्या हो गया हमारा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, थ्री इज टू 2:1 के रेशियो में 25,334 रुपये को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ए को मिलेगा 12,867 रुपया, 12,867, 8,578 एंड 4,289। पूरे सम्स में कोई दिक्कत है? नहीं। वाह, यू आर टैलेंटेड, गुड, सुपर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन।